रोचक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार बारसोई हावड़ा। जब योग साधना की बात आती है ना, तो सबसे पहले किसको स्थिर किया जाता है ज्ञानियों? विजय भैया, पहले मन को किया जाता है कि वचन को कि काय को? बोलो, काय को। किसको पहले? काय को कंट्रोल किया जाता है। बोले काय को? काय माने शरीर को, काय को नहीं है। किसको? काय, शरीर को स्थिर किया जाता है। इसलिए कहा जाता है पहले आसन लगाओ, स्थिर बैठो। क्या करो? पद्मासन में या खड़गासन में या सुखासन में बैठो, लेकिन स्थिर बैठो। अब हम हिलते डुलते रहते हैं, चलाए मार रहते हैं, सामयिक नहीं हो पाती है, सामयिक में पता नहीं कहाँ कहाँ, तो मन तुम्हारा कभी नहीं लगेगा। स्थिर अगर आसन नहीं हुआ तो वचन स्थिर नहीं होगे, और स्थिर आसन और वचन नहीं हुए मन स्थिर नहीं होगा। ध्यान का मतलब क्या है? क्यों ध्यान में डूब करके केवल ज्ञान होता है? आज तक किसी को चलते फिरते केवल ज्ञान हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों? इसलिए पहले स्थिर शरीर को करो, आसन लगाओ। हम शरीर को नहीं संभाल पा रहे हैं तो मन को तुम कहाँ संभालोगे? मन तो तुम्हें दिख भी नहीं रहा है, लेकिन शरीर तो दिख रहा है। तुम दिखती वस्तु को, इतने बड़े शरीर को स्थिर नहीं कर पाते हो। उपयोग नहीं लगता है। और आप जिस दिन उपयोग स्थिर होकर के खड़े हो जाओ भगवान के सामने, बिल्कुल भगवान सीधे दिख रहे हैं, भगवान दिख रहे हैं, और हम बस भगवान की भक्ति करने में लीन हैं, लेकिन हम कहाँ स्थिर हो पाते हैं? उदक चंदन तंदुल पुष्प के चर सुदीप सुधु पल पर के दबल मंगल गानी रवा कुले। ये चलता है। अब कहाँ हम किसको देख रहे हैं? कौन आया, कौन गया, कौन क्या कर रहा है, ये हमारी दृष्टि रहती है। अब भगवान कहेंगे तुम, भगवान अपने अपने कर्तव्य को भी अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पर भी तुम स्थिर चित्त नहीं हो पा रहे। चित्त तो बहुत दूर की बात है, स्थिर काय नहीं हो पा रहे हो। क्या नहीं हो पा रहे हो? स्थिर काय नहीं हो पा रहे हो। इसका बहुत बड़ा लॉजिक है। शरीर को स्थिर करना चाहिए पहले, एकदम आसन, और जितना अच्छा आसन लग जाएगा आपका, इतना अच्छा, एकदम रीढ़ की हड्डी एकदम, और जितना उतना ही आपका उपयोग लगेगा, और ऐसे करते रहोगे ना, तो आप जो पढ़ रहे हो ना वो भी भूल जाओगे। अर्थ और भाव तो बहुत दूर की बात है, क्या नहीं हो? बहुत दूर की बात है। यही कारण है कि हम पूजन पढ़ लेते हैं, लेकिन पूजन का अर्थ अगर पूछा जाए तो पता नहीं है। हमने पंक्ति पढ़ी है, उसी पंक्ति को पूछा जाए कि क्या हमने बोला है, मुझे पता नहीं है। क्यों? स्थिर नहीं हो पा रहे। अंत वो आनंद आता है, कोई भी स्त्रोत पढ़ो, स्तुति करो, पूजन करो, स्थिर चित्त होकर के भाव भंग न होना चाहिए। भाव भंग ना, आप जब एकदम ध्यान में बैठते हैं ना, तो अनुभूति होती, कुछ क्या होती है, अनुभूति होती, तब पता चलता है कि हम चेतन आत्मा हैं। दिन भर नहीं पता चलता है, आप इधर उधर घूमते रहते हो, अपने कार में बिजी, संसार के कार्यों में व्यस्त रहते हो, आपको यही पता नहीं है कि हम चेतन तत्व हैं कि नहीं है, हम जीव तत्व हैं कि नहीं है, आत्मा तो है हमारे अंदर कि नहीं है। बस अभी तो हम पुद्गल जैसी दौड़ लगाते रहते हैं। जिस समय आप एकाग्र होते हैं, उस समय अनुभूत होता है कि हम कुछ हैं। क्या है? हम कुछ हैं। हम क्या हैं, उसका अनुभव ध्यान में मिलता है।
ज्ञान से। आचार्य मानतुंग स्वामी बहुत गहरी गहरी चर्चा धीरे धीरे आपको वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। यहाँ कहाँ मोक्ष का पथ दूसरा नहीं है, कल्याणकारी मार्ग अगर के हैं तो सिर्फ आपका ही है। बस इस बात को हम अपने जीवन में संकल्प के साथ निष्ठापूर्वक स्वीकार करें। देखो सम्यक दर्शन खिल जाएगा, उसकी चर्चा है यहाँ पर। अब आगे अगले काव्य 24 नंबर काव्य में जो बुद्धि वृद्धि प्रदायक काव्य है, बुद्धि की वृद्धि करने वाला काव्य है। इसके पहले सिर रोग विनाशक काव्य था, उसके पहले व्यंतर बाधा भूत आदि बाधाएं उनको दूर करने वाला। उनसे आगे हम बुद्धि की वृद्धि काव्य जो है 24 नंबर काव्य है उसको हम पढ़ेंगे। त्वमव्ययम् विभुम चिन्तमसंख्य माद्यम्। ब्रह्माणि मीश्वरे मनन्ते मनंगे केतुम्। योगीश्वरं विदिते योगी मने किमेकम्। ज्ञानस्वरूपे ममिलं प्रवादन्ति सन्तः। त्वमव्ययं विभुम चिन्तमसंख्य माद्यम्। ब्रह्माणि मीश्वरे मनन्ति मनंगे केतुम्। योगेश्वरं विदिते योगी मने किमेकम्। ज्ञानस्वरूपे ममिलं प्रवादन्ति सन्तः। हे भगवान, हे वेतरागी परमात्मा, आपके लिए आस्थावंत भक्तगण संत पुरुष अनेक नामों से पुकारते हैं। अनेक नाम हैं आपके, अनेक नामों से स्तुति करते हैं। आप ताम माने आपको, संतहा संता माने संत सज्जन पुरुष। कौन से पुरुष? सज्जन पुरुष, दुर्जन नहीं, जो सज्जन है, अच्छे सज्जन जिनकी प्रवृत्ति सत है, प्रशस्त है, प्रशस्त मन वाले हैं, एकदम पवित्र हृदय वाले हैं, पवित्र विचार हैं जिनके, जिनके अंदर कोई मायाचारी छल कपट नहीं रहते, ऐसे सज्जन पुरुष जो आप में ही आस्था बनते हैं, वीतरागी परमात्मा ही जिनके हृदय में विराजमान हैं, संता संत सज्जन पुरुष त्वाम आपको अव्ययम्। क्या मानते हैं आपको? अव्ययम्। अव्ययम् माने अक्षय। आप कभी व्यय को प्राप्त नहीं होते हैं, व्यय माने नाश हो जाना, नष्ट हो जाना। आप कैसे हैं? अव्यय हैं, अक्षय हैं। भगवान कैसे हैं? अक्षय अनंत। एक बार जो गुण प्रकट हो गए हैं वो अव्यय हो गए हैं, अब कभी नाश को प्राप्त नहीं होंगे। आप अचिंत्यम विभूम, अव्ययम विभूम, आप विभू भी हैं, अव्यय हैं और
विभूम विभूम, हम कहते हैं हे विभू हे प्रभु। विभू क्यों है? आपका ज्ञान सब जगह व्यापक है। ज्ञान व्यापक होने की अपेक्षा से आप ज्ञान रूप से व्यापक हैं, पूरे लोक में सब जगह व्यापक हैं, इसलिए आप विभू हैं। अचिंत्यम, और आप अचिंत्यम चिंतन में नहीं आने वाले, हर किसी के चिंतन में नहीं आते, इस शुभसम ज्ञानी क्या चिंतन में लाएंगे आपको, इसलिए अचिंतनीय हैं आप। हम भगवान के गुणों को, ऐसे गुण हैं, अपने ज्ञान से क्या चिंतन में लाएंगे, इसलिए चिंतन में नहीं आने वाले आप। असंख्यम, और असंख्य गुणों से युक्त हैं, इसलिए आप असंख्य। भगवान में कितने गुण हैं? असंख्य। और हम में कितने गुण हैं? खोज करना, बतला ना, देखो ऐसा नहीं है, असंख्य गुणों से युक्त हैं। वहाँ पर असंख्य गुण हैं और यहाँ असंख्य दोष है, इसलिए वो भगवान हैं और हम भगवान नहीं हैं। अब असंख्य दोषों को हटा देंगे, असंख्य गुण आ जाएंगे, हम भगवान बन जाएंगे। आद्यम असंख्यम आद्यम, आद्यम माने प्रथम, आदि में होने वाले, आप ही प्रथम हैं, आदि पुरुष आदिश्चिन् आदि शुद्ध कर्तार धरम दुरम परम गुरु नमो आदि अवतार, आप ही आदि पुरुष हैं, प्रथम हैं। और ब्राह्मणम ईश्वरम, आप ब्राह्मण हैं, आप मतलब आप ब्रह्मा हैं। कौन है ब्रह्मा? हे आदिनाथ भगवान, आप ही ब्रह्मा हैं, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप में लीन रहते हैं, और ब्रह्म माने आत्मा, ब्रह्म माने आत्मा, और अपने आत्म स्वरूप में लीन रहने वाले आप ही ब्रह्मा हैं, सच्चे ब्रह्मा आप ही और कोई नहीं, ब्रह्मा। ईश्वर, आप ईश्वर हैं। अनंतम, अनंतम माने आप अनंत हैं, आपका अंत नहीं है, अनंत को प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए भगवान के गुणों का कभी अंत होगा क्या? नहीं होगा कभी भी। या जिस पर्याय को प्राप्त कर लिया उसका भी अंत नहीं होगा, अनंतम आप अनंत हैं। अनंग केतुम, आप अनंग केतु हैं, अनंग केतुम काम विनाशक, काम रूपी बाण को नष्ट करने वाले आप काम विनाशक हैं। योगीश्वरम, योगियों के ईश्वर हैं आप, योगी ईश्वरम योगियों के ईश्वर, आप ही तो योगियों के ईश्वर हैं, इसलिए योगी जन ध्यान लगाते हैं, किसका? आपका। विदित योगम, और योग के ज्ञायक आप हैं, विदित माने ज्ञायक, विदित माने जानने वाले, ज्ञाता ज्ञायक, आप योग के ज्ञायक हैं, सच्चा योग तो आपने ही जाना है। अनेकम, आप अनेक हैं, गुण पर्याय की अपेक्षा से अनेक रूप हैं, गुण और पर्याय की अपेक्षा से अनंत अनंत गुण, प्रति क्षण द्रव्य में स्वाभाविक परिणमन होता है, स्वभाव अर्थ पर्याय होते हैं, स्वभाव अर्थ पर्याय आदि की अपेक्षा से अनेक रूप हैं आप, और एकम किंतु जीव द्रव्य की अपेक्षा एक रूप है, आप एक ही हैं। ज्ञान स्वरूपम, आप केवल ज्ञान स्वरूप हैं, अम्लम कर्ममल से रहित निर्मल आप हैं। प्रबदंती कहते हैं कौन? संता, ऊपर से जोड़ लेना संता, संत पुरुष आपको इन इन नामों से कहते हैं, ऐसे नामों से पुकारा गए भगवान के लिए,
बस भगवान की यही वीतरागी परमात्मा की चर्चा यहाँ पर की गई है। हम जैसे पढ़ते हैं, जिसने राग द्वेष का मार्ग जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हुआ चित्त उसी में लीन हो। आप कहो, चाहे ब्रह्मा कहो, चाहे विष्णु कहो, चाहे महेश करो, चाहे बुद्ध करो, हरिहर कहो, लेकिन वो आप ही हैं। क्यों? क्योंकि राग द्वेष काम आदि को जीतने वाले आप हैं। जो जो वीतरागी हैं, हम किसी भी नाम से पुकारे हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, ये तीन गुण जिसमें विद्यमान हैं वही हमारा भगवान आराध आप्त हैं। और तीन गुण नहीं हैं वो भगवान नहीं हो सकता है। तीन गुणों से युक्त हैं, आप किसी भी नाम से पुकारो। आप कुछ नाम की बात कर रहे हैं, सहस नाम में तो हम 1008 नामों से पुकारते हैं। कितने? 1008 नामों से पुकारते हैं, वंदना करते हैं, नमन करते हैं। ऐसे परमात्मा के लिए मानतुंग स्वामी यही कह रहे थे, इसी भावना के साथ हम ऐसे आस्था रूपी परमात्मा को अपने हृदय में प्रतिष्ठित करें, हृदय की वेदी पर। ओम नमः शिवदेव्या। ओम रीम अर्घ्यम नमो निट्ठी विषाणम, ओम रीम अर्हम नमो दिट्ठि विषाणम, ओम रीम अर्हम नमो दिट्ठि विषाणम। ऐसे ऋषिराज जो दृष्टि से ही विष को नाश कर देते हैं, दृष्टि जहाँ पड़ जाए जहर दूर हो जाता तत्काल, ऐसी रिद्धियाँ होती हैं। ऐसे रिद्धि संपन्न मुरराजों की हम वंदना कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। पुण्यार्चक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार बारसोई हावड़ा।